नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बन रहा है। हर जगह कांग्रेस की ही चर्चा हो रही है। विधायक वीर सिंह भूरिया ने कहा, जनता महंगाई से परेशान है, अब आम जनता भाजपा सरकार की हवाई घोषणाओं में अब नहीं आने वाली है। क्षेत्रीय विधायक भूरिया ने कहा, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, भाजपा सरकार की खोटी घोषणाओं से अब जनता उब गई है, परेशान हो चुके लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं, कुछ समय के बाद देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। विधायक वीर सिंह भूरिया ने कहा, मेघनगर विकासखंड के ग्राम चैनपुरा भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर का गृह क्षेत्र है। पिछले दिनों हमने चैनपुरा में खाटला बैठक कर ग्रामवासियों से रूबरू चर्चा की थी। चर्चा करने के बाद सैकड़ों लोगों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। इसी तरह थांदला विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ग्रामीण जन कांग्रेस की नीति और रीति से प्रभावित होकर भाजपा छोड़ कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, गैस की टंकी मात्र 500 रुपये में दी जाएगी, 1500 रुपये महीना महिलाओं के खाते में कांग्रेस की सरकार बनने पर दिए जाएंगे, साथ ही पेट्रोल डीजल के भाव भी कम किए जाएंगे, महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी। सबसे पहला जो कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन हुआ था वो ये था कि 2 लाख का कर्जा जिन का है उनका माफ करो और हमारे सबका माफ भी हो। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो, दो प्रमुख काम कर लो, एक VLA ये अपना वोटर लिस्ट पे पूरी तरह से अध्ययन करके काम करके रख दो, और दूसरा ये जितने भी फॉर्म आप ताकत से भर सकते हो, हर विधानसभा में कम से कम, ज्यादा भरो आपकी मर्जी, 1.5 लाख महिलाएं कम से कम एवरेज है, 50,000 फॉर्म हमको भरना है, हर विधानसभा में 50,000 फॉर्म हमको भरना है, और 50,000 फॉर्म ही भर के ये जो, तो ये पूरी ताकत से काम करोगे आप, तो जितना मैंने बताया दोनों काम करें, सभी लोग तैयार हैं, बिल्कुल पूरी ताकत से काम करेंगे। ये एक महीने का जो समय दिया था, लेकिन 20 दिन क्योंकि एक महीने में फिर अब ये यहाँ से कटिंग करने का निशान लगा रखा है, ठीक है ना। अब ये ऊपर का जो है, ये जो महिला बहन आ रही है उनको ये भर के उनको देना है, उनको ये कहना है कि आपको संभाल के रखना, हमारे पास तो इसका पूरा डाटा रहेगा, और आपके पास जब सरकार हमारी आ जाएगी तो हमारे ही कर्मचारी सरकार के आपके पास आके